इस जगह पे 21 दिन बिताने के बाद ना मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इस जगह को मैं मिस करने वाला हूँ। इवन तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हुआ था, तो मैंने आधी पूरी पैकिंग कर रखी है, अभी पूरी बैग पैक करनी है। तो ऑलमोस्ट यार एक महीना यहाँ पे बिताया है। इसका भी अलग स्वैग था यार, 5-स्टार होटल में अनबॉक्सिंग करने का। सो दिस एंटायर कॉर्नर इज ऑल मेस्ड अप, यहाँ पे सारी चीजें मेरी पड़ी हुई, इनको पैक करना है। जब मैं यहाँ पे आया था ना, मेरे पास सिर्फ एक ये वाली बैग थी एंड दिस ट्रॉली, बट अभी ये एक नया लैपटॉप जो मैंने लिया इसको रखना है एंड वन मोर लैपटॉप एंड द बैग जो कि मुझे कंपनी की तरफ से मिला। सो यार अभी फटाफट से चीज़ों को समेट लेते हैं और चेकआउट करते हैं, और यहाँ से निकल कर सीधे हम जाएंगे अपने मामा के घर, उनके फ्लैट पर जाएंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शेरेटन होटल हैदराबाद। सो टुडे इज माई लास्ट मॉर्निंग इन दिस पर्टिकुलर होटल, और अभी मैं चेकआउट करने वाला हूँ। बट चेकआउट करने से पहले ना एक जरा हार्ट टू हार्ट बात आपसे मैं कर लूँ। सो यार, मी कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हर मिडिल क्लास बंदे की तरह मेरी भी बकेट लिस्ट में ये चीज़ थी कि कभी ना कभी 5-स्टार में जाकर स्टे करेंगे, 5-स्टार का खाना खाएंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए पूरी हो गई, और ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग में पूरी हो गई। 21 दिन मैंने 5-स्टार में स्टे किया, 5-स्टार का खाना खाया, 5-स्टार की सर्विस अवेल की, एंड दैट टू फॉर फ्री। बट द ओनली थिंग इज ना कि ये होटल में जितने भी लग्जरी हो, जितनी चीज़ें भी थी ना, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन, बहुत ज्यादा मजा नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ की सर्विस अच्छी नहीं थी या फिर ऐसा कुछ था, सब कुछ बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास था। बट द ओनली थिंग आई वाज मिसिंग ना कि काश कोई एक फैमिली मेंबर, चाहे मेरे भाई या कोई भी यहाँ पे होता है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला था ना, तो एवरीथिंग फील्स वेरी ऐसा बड़ा खाली खाली लगता है। ऐसा लगता है सब कुछ है बट देन अगेन कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी मिक्स वाली फीलिंग आती है। सो यार, दिस इज समथिंग जो कि मुझे आपको बतानी थी कि सब कुछ काफी अच्छा था, बट आई वाज मिसिंग पीपल यार। तो इट्स ऑल अबाउट पीपल, नॉट अबाउट लग्जरी। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन लास्ट 21 डेज सिटिंग अलोन इन द रूम। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जो था यही तक था, 5-स्टार की हॉस्टल। कैब मैंने ले ली, और यहाँ से अलकापुर जो है ना, समवेयर अराउंड 9 to 10 किलोमीटर, तो मैं फटाफट से वहाँ पहुँच जाऊँगा। सो आई एम अबाउट टू हिट द ग्राउंड रियलिटी, और अभी तक तो लग्जरी में ही टाइम निकल गया मेरा, बट अभी चैलेंज शुरू होने वाला है। या अभी बस पहुँचते हैं, मामा मामी से आपको मिलवाते हैं, नानी से मिलवाते हैं, और एक मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन भी, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड यार, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। भैया कहाँ पे? भैया कहाँ पे? भैया कहाँ पे? भैया 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 क्या बोलोगे? ऐसे हाँ, यो यो। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ मैं अपने नानी घर पे आ चुका हूँ। करीब 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद अभी शाम के कुछ 5:30 बज रहे, आने के बाद मामा और मामी ने ज़बरदस्त चिकन बना के रखा था। सबसे पहले तो मैंने चिकन पे हाथ साफ किया, और अभी बैकग्राउंड में ऐसी आवाज़ें आपको रेगुलर सुनने को मिलेगी, बिकॉज मेरी एक छोटी सी बहन है। ये नानी को मैंने योग करने को बोला है, तब से योग करके बैठी हुई। यो ये मेरी नानी है, मामी और मामा से भी आपको मिलवाते हैं, और मेरी छोटी बहन से। तो इतने देर ब्लॉग में मैंने जो शूट नहीं किया ना, वो इनकी वजह से हुआ था, बिकॉज मामी ये मेरी है, ये बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है। फाइनली इनको मैंने कन्विंस किया कैमरा पे आने के लिए। तो दिस इज माई स्वीट मामी, हेज माई मामा। अभी देखो, जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको ये बात पता होगी कि फैमिली मेंबर के सामने ब्लॉग करने में ना मैं ज़रा कॉन्शियस सा हो जाता हूँ। तो बट मैंने मामी को किसी तरह कन्विंस किया कि एटलीस्ट हाई बोलने के लिए आप कैमरे पे आ जाओ। तो अभी ऐसा है ना कि वो बेड पे मेरे सारे सामान बिखरे पड़े, दोपहर में आकर सो गया था। भैया भैया क्या नेक्स्ट डे, कल रात जरा मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग किया नहीं। कि सारी चीजें मुझे अभी सेटअप करनी पड़ेगी, उसके लिए काफी सारी शॉपिंग करनी, सारी जरूरत की चीजें। तो मामा के साथ करीब 10 बजे के आसपास मैं बाहर जाऊंगा। 1 बजे तक ही बाहर शॉप्स खुली रहेंगी, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 बजे के बाद कोई भी चीजें नहीं मिलती है, तो आज का दिन बड़ा बिजी रहने वाला है। टाइम बहुत कम है तो शायद मैं बाहर ब्लॉग नहीं कर पाऊँ, बट जितना हो पाएगा वो तो आपको दिखाई दूंगा। ये मेरी टेबल, एक चेयर, ऊपर गद्दा आ चुका है, और वहाँ पे बीन बैग के लिए बीन्स मैंने ले लिए हैं। बाकी बैग का कलर सेलेक्ट करना भी बाकी है। नहीं गिरेगा? चलो ठीक है।
ऑलराइट, तो ये 40 केजी का गद्दा पकड़ने के बाद मामा की कुछ ऐसी हाल हो रखी है बहुत बेजोड़ धूप थी यार बाहर। तो एक सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं, बाय द वे दिस इज माय न्यू फ्लैट, तो अभी आपको इसका अच्छा सा टूर दूंगा, बट अभी नहीं, फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। सो दिस इज द ओनली थिंग जो कि मैंने शॉप से खरीदी है, बीन बैग और ये उसके बीन्स वगैरह हैं। बाकी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी मेरी जरूरत की चीज़ें हैं। और ये सारे सामान भी मैं सुबह सुबह गया था लाने के लिए, बाल्टी वगैरह मेरी सेटअप के लिए। यहाँ पे टेबल आ चुकी है। सो गाइस अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मामा भी जरा घर चले गए बिकॉज उनकी ऑफिस आवर्स चल रही थी। और मेरे रुकने का यहाँ पे रीजन ये है ना कि आज सुबह ना मैंने वाईफाई के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, एयरटेल से मैंने बात करी थी, उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया, तो मैंने सोचा यार एक ही बार वाईफाई इंस्टॉल करवा के घर जाते हैं। और एक आध पार्सल ही मेरे आने वाले, एक तो बॉक्स है जो कि मैंने रांची से कुरियर करवाई है, और एक अमेजोन से मैंने इंडक्शन मंगवाया था तो वो भी अभी डिलीवर होने वाला है। और बाय द वे मैंने प्लान कर रखा था कि आज के ब्लॉग में मैं आपको फ्लैट का टूर दे दूंगा, बट थिंग इसके सारे सामान ऐसे बिखरे पड़े हैं तो फ्लैट टूर देने का कोई सेंस बनता नहीं। थोड़ी बहुत चीजें यार तो उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा अगले वाले ब्लॉग में, तो आपको पक्का से फ्लैट टूर मैं दे दूंगा। तो अभी देखो सारी चीजें जो हम बाहर से लेकर आए उसको हमने यहाँ पे ही छोड़ दिया और कुछ चीजें यहाँ पे रखी, तो सबको एडजस्ट करने के बाद फ्लैट टूर दूंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो अभी इस वाले कमरे में मैंने वाईफाई लगवा लिया, एयरटेल की एक्सट्रीम फाइबर और सर्विस काफ़ी अच्छी थी, तो राकेश भाई और प्रशांत भाई थैंक यू सो मच। आईडी पासवर्ड और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हो रहा है। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो वाईफाई का काम डन हो चुका है, और जिन दो पार्सल के बारे में बात कर रहा था ना वो भी डिलीवर हो चुकी है। सो दिस इज द पार्सल, इसमें इंडक्शन एक्चुअली है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, एंड दिस इज द बॉक्स जो कि मैंने रांची से कुरियर करवाया था, उसको मैंने काफ़ी पहले पैक किया था, तो मुझे काफ़ी चीज़ें मैं एक्चुअली भूल गया कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें पैक करी थी। और इसके अलावा भी एक बड़ा सरप्राइज पार्सल है जो कि अगेन रांची से आया है, तो अगर आप गेस कर सकते हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि वो क्या चीज हो सकती है। अभी पहले इसको अनपैक कर लेते हैं। आजा। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इन दिस बॉक्स इज दिस, मैंने पिलो मंगवाया था और एक और पिलो इस तरफ है, और इन दो पिलो के बीच में जो आप ये बैग देख रहे हो ना इसमें बेसिकली रिंग लाइट है, तो मैं थोड़ा इसको प्रोटेक्टेड वे में मैंने इसको पैक किया था, एक्चुअली पापा ने पैक किया था। एक रिंग लाइट और दो पिलो मेरी आ चुकी है, इस बैग में आई थिंक मेरे कपड़े होंगे, तो इसमें मेरे काफी सारे कपड़े और टी शर्ट्स वगैरह। सो माई ब्लेजर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग इन दिस एंटायर थिंग इज माई हेलमेट, तो मेरी हेलमेट भी यहाँ पे आ चुकी है। ट्राइपॉड इज ऑल्सो हेयर, गोल्डन राइडर के राइडिंग बैग, सैडल बैग भी आ चुके हैं, ग्लव्स, सो दैट वाज ऑल इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स। तो अभी चलो लगे हाथ इसको भी अनबॉक्स कर ही लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द इंडक्शन, तो मैंने पीजन ब्रांड की इंडक्शन मंगवाई है, अभी इसको मैं अनपैक नहीं करूंगा यार बिकॉज इंडक्शन में आपको क्या ही दिखाऊं। तो ये रूम का तो पूरा मतलब कचड़ा हो रखा है, सारी चीज़ों को मैं अरेंज करूंगा इस व्लॉग को एंड करने के बाद। सो नाउ दिस फ्लैट हैज़ गॉट टू बैल्कनीज, और मैं अभी अपने बेडरूम वाले बैल्कनी में, बहुत कड़ी धूप यार बिल्कुल मेरे आंखों पे आ रही है, बट अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ। बेसिकली इस वाले बैल्कनी से ना, जो मैंने बताया था कि मेरे बैल्कनी से मामा की फ्लैट दिखती है और मामा की बैल्कनी से मेरी फ्लैट दिखती है, तो यहाँ से मैं आपको मामा की फ्लैट दिखाता हूँ। तो वो जो रेड वाली शॉप आप देख रहे हो उसके ऊपर अपार्टमेंट है, तो दैट इज द अपार्टमेंट जहाँ मेरे मामा रहते हैं, और वहाँ से मेरे फ्लैट में आने का सिर्फ इतना सा रास्ता है। तो अभी मामा के फ्लैट से ये वाले फ्लैट की दूरी इतनी कम थी ना कि मैंने एक बार में डन बोल दिया था, मैंने बाकी चीज़ें नहीं देखी थी बट सिर्फ डिस्टेंस देख करके मैंने डन बोल दिया था। दिस फ्लैट इज ऑल्सो गुड, एक डिसेंट सा फ्लैट, और अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी आवाज़ एको कर रही है। और यार मैंने इधर उधर घूमकर आपको थोड़ा बहुत फ्लैट टूर कराई दिया, मतलब बैल्कनी मैंने ब्लॉक कर लिया, अभी रूम के बाजू में खड़ा हूँ मैं, तो आपको कुछ हद तक आइडिया लग गया होगा, बट डोंट वरी, अगले ब्लॉग में प्रॉपर सब चीज़ सेटअप करने के बाद फ्लैट टूर वीडियो शूट करूंगा। अभी ऑलमोस्ट एक वीक के बाद में ये वाला ब्लॉग डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफिस में मैं न्यू ज्वाइन हूँ, तो मैं सारे काम को समझ रहा था, अभी भी खैर चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, बट क्योंकि मैं नया हूँ तो धीरे धीरे करके वो भी हम समझ लेंगे। ब्लॉग्स में धीरे धीरे रेगुलर अपलोड करता हूँ, और अभी मैं जाता हूँ वापस से फ्लैट में बिकॉज बहुत तेज भूख लग रही है और पेट से आवाज़ें भी आ रही है मेरी। सो या विद दैट सेड गाइस, इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, टेक केयर। कहाँ जाना है? इधर देखो बाबू, भैया क्या है भैया? गुड मॉर्निंग।